बांडा जनपद तरबगंज तहसील अंतर्गत विकासखंड नवाबगंज के ग्राम परसापुर गडरियनपुरवा के ग्रामीणों को अदद सड़क की दरकार है। आजादी के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शासन प्रशासन भले ही जनपद में सड़कों का जाल बिछा रहा है, किंतु यहां के ग्रामीण आज भी कीचड़ से लबालब भरे हुए रास्तों से जाने को मजबूर है। गाँव में आवागमन के लिए कच्चा मार्ग है। बरसात में गाँव के इस कच्चे मार्ग के किनारे अतिक्रमण, वहाँ घास फूस व कीचड़ के चलते आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस समय बारिश होने से कच्ची सड़कों पर कीचड़ और गड्ढों में पानी भर जाता है। इससे आवागमन वाले ग्रामीणों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर लिखित प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने सौंपा और अपनी समस्या को बताया। उप जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को जाँच कर जल्द से जल्द समस्या को दूर करने के लिए आदेश दिए हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम को ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक उप जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी कोई कर्मचारी मौके का मुआयना करने नहीं आया। इस मौके पर खुशी राम, रामधनी, करमचंद, चंद्रपाल यादव, गुड्डू साहू, राजदेव, आत्मा राम, राम किशन, चितई, बदलू आदि ग्रामीण मौके पर उपस्थित थे। रेडी, क्या समस्या है आपको? बच्चे स्कूल जात है, स्कूल तक जाए नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है और हमें सबका इतनी तकलीफ है ऐसे कि हम कहा बताए दी कहूँ सुनवाई नहीं है बारे में। अच्छा, ये चौराहा है? चौराहा, अच्छा ये चौराहा है और इस पर लगभग 1000 आदमी से ज्यादा लोग जाते भी हैं और 3-4 गांव के लोग इसी से गुजरते हैं। कौन सा गांव है ये? ये लेकिन अब क्या किया जाए, अब हम चप्पल पहनना बंद कर दिए हैं, इसीलिए इसमें हाथ पैर सड़ जाता है, चप्पल कैसे पहने। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। योगी जी, जब तक अस्पताल में दलाल घूमेंगे भ्रष्टाचार होगा, जनता लुटेगी और सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। हमारे संवाददाता ने जब इस पूरे प्रकरण पर प्रिंसिपल महोदया से कैमरे के सामने बात करने की बात कही तो साफ तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, तथा तर्क भी कितना अच्छा दिया वो हमारे कैमरे में कैद हो गया है, आप स्वयं देखिए। आपको बताते चले, वैसे तो जिला अस्पताल को लेकर, यहां की व्यवस्थाओं को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर, सरकारी ट्रामा सेंटर को लेकर तमाम खबरें हम आपको दिखा चुके हैं। लगातार जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति गंभीर आरोप जिला अस्पताल प्रबंधन एवं मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल पर पहले ही लगा चुके हैं। यहां तक के कुछ राजनेताओं पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं इस चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार की कड़ी खुलने लगी। साफ तौर पर पहला भ्रष्टाचार आज खुलकर सामने जब आया, जब हजारों आवेदनकर्ता मेडिकल कॉलेज में आंदोलन करने लगे। साफ तौर पर उनका आरोप था कि उन्होंने निकली हुई वैकेंसी के लिए आवेदन किया था, तथा जब हम प्रिंसिपल से मिलने गए तो हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हम उनसे केवल इतना पूछना चाहते हैं कि आखिरकार हम सब ने, कितने लोगों ने आवेदन किया था, उसके बावजूद हम में से किसी को नौकरी क्यों नहीं मिली? आखिरकार ऐसे लोगों को नौकरी कैसे मिल गई जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया? साफ तौर पर आवेदनकर्ताओं ने आरोप लगाए कि अच्छी खासी रकम लेकर अपने चहेतों को मेडिकल कॉलेज कहे, जिला अस्पताल का है या ड्रामा सेंटर कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आज फिरोजाबाद में गरीबों के लिए चलाई गई चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है, उसका निजीकरण हो चुका है। साफ तौर पर सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने में व्यस्त है, जिन्हें आम जनता की जन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, फिर चाहे रास्ता कोई भी हो, यहाँ तो लाशों से भी पैसा कमा लेते हैं। ये इन्हीं कारणों से तो कल तक भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को आज जनता दलाल जैसे शब्द कहने लगी है। ये तो कहीं ना कहीं इस पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए शर्म की बात है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? उन्हें बुलवाओ। क्या नाम है आपका? मंजू। किस परेशानी को लेकर आप यहाँ जिला अस्पताल पर? इसलिए हमने अपने फॉर्म डाला, नौकरी देगी, मगर वो अब ड्यूटी नहीं दे रही है, मैसेज आया है, इसलिए हम सुबह। किसका फॉर्म डाला था आपने? फॉर्म कहाँ डाला था? आया का डाला था। कहाँ डाला था आपने फॉर्म? यही डाला था, अस्पताल में जी। कि मतलब वो किया था मेल द्वारा? किया, बहुत से किया था, ऑनलाइन किया था। फिर आपको कहाँ से मिली नियुक्ति पत्र? कहाँ से मिला? मुझे नकलों से मिला। नकलों से मिला है? अब क्या कह रही है? अब मैडम जगह ही नहीं, तो बात भी नहीं करती है। जगह तो जब दें, जब बात भी क्या कह देती हैं आपसे? कोई मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, अंदर ही नहीं जाने दे रही है, नहीं जाने दे रही है। कितने दिन से परेशान हैं आप? हम 2 महीने से परेशान हैं। सब लोग लेटर ऊपर करो। क्या मामला है आखिरकार, क्यों नहीं ज्वाइनिंग मिल पा रही आपको? अब ये तो मैडम जाने क्यों नहीं जाने लेटर दे रही, तो अपार्टमेंट लेटर जब मिल चुका है तो मुझे यहाँ ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए जी।
फायरमैन लेटर का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग दे मुझे या कुछ लिख के दे कि नहीं देंगे। मतलब कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप, मगर सुनवाई नहीं हो रही आपकी, अपना काम हो छोड़ा। आप जाके मिले हो प्रिंसिपल से? मैं मिला हूँ, लेकिन वो बाहर जो गार्ड बैठते हैं वो अंदर ही नहीं जाने देते। क्या कह देते हैं आपसे? तो नहीं मैडम से अभी नहीं मैडम, कोई बात करेंगे। थैंक यू। तो उन लोग आप क्या कह रहे हैं, ये कंपनी वाले क्या कह रहे हैं आपसे? उन्होंने तो हमें लेटर दे दिया कि ज्वाइनिंग के लिए यहाँ जाइए और मैडम से ज्वाइनिंग लीजिए, और अगर मैडम यहाँ दे ही नहीं रही है ज्वाइनिंग। नहीं, आखिरकार आपके जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो वहाँ से लेटर लेके आया है? वहाँ कंपनी से हम खुद लेके आए थे ना। आप खुद लेके आए थे, क्या कहा प्रिंसिपल मैडम ने आपसे? वो बात ही नहीं करना चाहती, वो टाल देती हैं। बात नहीं, आ जाना कल आना, ये बोरा किसके बढ़िया है, 12 तारीख को आना। ये क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, कितने दिन से परेशान है आप यहाँ पे आ रहे हैं? 2 महीना हो गया सर। किस चीज़ की ज्वाइनिंग है ये? वार्ड बॉय के पद पर। कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, अभी ड्यूटी नहीं मिल रही है। आपने किसी से कहा नहीं इसके बारे में? इससे जो उन्होंने भर्ती कराया था उनसे कहा था, वो कहते हैं कि मैडम नहीं ड्यूटी देना चाहती हैं। कुछ पैसा वैसा दिया? क्या पैसा वगैरह दिया इसके लिए आपने? राकेश कुमार। कितने दिन से परेशान हैं आप? 2-2.5 महीने से सर परेशान हैं। हम रोजाना चक्कर लगाते हैं, ये बुलाते हैं, जब ही हम आते हैं, जब हम मौके पर पहुंच जाते हैं अस्पताल में जी, और 24 कमरा नंबर है उसमें अधिकारियों से बात करते हैं, कर्मचारियों से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं आप यहाँ किस लिए आ रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? हम कहते हैं सर जी नमस्कार, वो नमस्कार भी नहीं लेते हैं, न हमको जगह बताते हैं कि वहाँ जाना है यहाँ जाना है। हमने कि मैडम से मिलना है, कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाओ। और सर आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है, 2 महीने से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और आप ज्वाइन नहीं हुए हैं? सर मजबूरी ये है कि लखनऊ ने हमें ये अपॉइंटमेंट दे दिया है, पास करके भेज दिए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी नौकरी पक्की है, आप जिला फिरोजाबाद में जाइए और मैडम जी के पास पहुँचिए और कर्मचारी से पूछिए कि हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई ज्वाइनिंग अभी हम नहीं कराएंगे, अब ये नहीं पता है, ये नहीं पता चल रहा है कि क्यों नहीं करा रहे, क्या चक्कर है। क्या ज्वाइनिंग के नाम पर सुविधा शुल्क भी लिया गया था आप लोगों से? नहीं सर, हमसे तो कुछ नहीं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल राजपूत है। क्या मामला, किस बात को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, ज्वाइनिंग का अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, क्या कारण है? ये है, हमने यहाँ पे जो हमारे मेडिकल कॉलेज में वैकेंसीज हैं, वैकेंसी निकली थी उसमें हमने बच्चों का फॉर्म ऑनलाइन करवाया था, तो एग्ज़ाम भी करवाया हमने, इंटरव्यू करवाया, उसके आधार पे हमने बच्चों को अपॉइंटमेंट किया। अपॉइंटमेंट करने के बाद हमने मैडम के पास भेजा, तो मैडम इनको ज्वाइनिंग नहीं करा रही हैं, तो मैडम से मैं भी कई बार मिला, 2-3 बार मेरी भी मुलाकात हो गई है मैडम से, तो मैडम ने मेरे को भी टाला है कि मैं कल कराऊँगी परसों कराऊँगी। कल शाम को मैडम का मेल मेरे पास आया, तो मैंने मेल के आधार पर सब बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया, मैसेज किया, कॉल किया, सब बच्चों को आज बुलाया, तो आज मैंने मैडम के पास भेजा, मैं गया खुद, तो मैडम ने मना कर दिया कि मैं आगे की कार्रवाई है, मतलब आगे के लिए आज भी टाल दिया। आखिरकार क्यों टाला जा रहा है, बार बार 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं ये लोग, ज्वाइनिंग मिल चुकी है, इस बात का क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपॉइंटमेंट कर दिया है, सबको लेटर दे दिया है, सबके पास लेटर है, हमारे यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। किस कंपनी में आप? मतलब तो क्या आपको अथॉरिटी दी गई थी अपॉइंटमेंट कराने की, बढ़वाने की? बिल्कुल बिल्कुल, हमें अथॉरिटी दी गई इसके लिए, हमने लेटर पर सबको दे दिए हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती तो आगे आपका स्टंस क्या रहेगा? आगे के लिए हम कार्रवाई करेंगे, माननीय DM साहब से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनको लेटर भेजेंगे, अभी मैं DM साहब से बात करता हूँ जाके। थैंक यू। आपका कितने दिन से परेशान है, क्या परेशानी है आपकी? क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी नहीं मिल रही सर? हमारा बच्चा सर 2 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती, आज मुझे आगरा जाना है बच्चे को लेके और हम यहाँ भटक रहे हैं सर। मतलब आपको आगरा जाना था, आप यहाँ भटक रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही? पता नहीं, यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने घुसने नहीं दिया है।
क्या कह दिया आपसे? उन्होंने मुझे कह दी नहीं मैडम अभी बिजी हैं, वो बात नहीं करेंगे, अभी आई हैं, आराम कर रही हैं अभी। आप कितने दिन से चक्कर लगा रही हैं यहाँ पे? दो महीने हो गए। दो महीने हो गए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? हो रही है। सुपरवाइजर खुद कह रहा है कि मैं तीन बार मैडम से मिल चुका हूँ। देखिए शासन में एक फैसला हो रहा है, हम उस फैसले के बाद ही काम कर सकते हैं, आप बात समझ रहे हैं? वो मेरे को कहे कि आप ऐसे काम करो, मैं वैसे काम नहीं करूँगा। मैम इतना ही आप बताइए। नहीं इस चीज़ को मत पतंगड़ बनाइए, बच्चों का नुकसान होगा, जो बच्चे काम करने वाले हैं, आपका आउटसोर्स का मालिक अन्य सैलरी बात का पतंगड़ बनाएगा। मैं नहीं जानती हूँ कि बच्चों कोई भी काम करने वाले अधिकारी का कर्मचारी का नुकसान उससे क्या था। हमारे मैन पावर करने में ये TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। थाना सहजाद नगर निवासी बब्बू 23 जुलाई 2019 को सुबह अपने मुकदमे की पैरवी करने पिता के साथ कचहरी आया था। वकील के बिस्तर पर बैठा था, करीब 12 बजे बब्बू के मोबाइल पर किसी का फोन आया और फोन पर बब्बू उठकर बिना किसी को कुछ बताए वहां से चला गया। कुछ देर तक बब्बू जब वापस नहीं पहुंचा तो उसके पिता ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बब्बू को कॉल करने पर जब कॉल भी रिसीव नहीं हुई तो उसके साथ आए हुए कुछ लोग भी परेशान हो गए और जिला कलेक्टर सहित सब जगह ढूंढने लगे। बताते चले कि बब्बू ठेकेदार नबी रजा पुत्र पूरा निवासी अफजलपुर पट्टी थाना सहजाद नगर तहसील सदर जिला रामपुर के यहाँ ठेके पर 8 वर्षों से मजदूरी करता था। ठेकेदार नवी प्रजापत मजदूरी के लगभग 61 बिहारियों के लगभग 35,000 रुपए आ रहे थे। एक माह पहले जब बब्बू ने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो ठेकेदार ने बब्बू के साथ मारपीट की। उसके बाद ठेकेदार ने बब्बू पर झूठा व फर्जी मुकदमा लगाकर पंजीकृत कराया था। बब्बू के पिता ग्रामीण को यकीन है कि ठेकेदार नबी रजा ने ही अपहरण किया है। आज जिला कलेक्ट्रेट पहुँच कर 3 दर्जन से अधिक गांव के लोगों के साथ और परिजनों ने DM साहब को शिकायती पत्र देकर बब्बू को ढूंढने की गुहार लगाई है और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ क्यों आए? यहाँ मदद के लिए आए। और क्यों आए? क्या जैसे जैसे मदद के लिए, जैसे कि हमारा आदमी पता है नबी रजा ने उड़वा दिया मेरा आदमी। नबी रजा ने कचहरी से उड़वाया, कचहरी में कब कब 23 तारीख को मंगल के दिन 23 तारीख पुलिस में गए आप? पुलिस में हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है पुलिस में। गुमशुदगी दर्ज की, सब कुछ कर दिया कोई हमारी नहीं। मैं बता तो रही भैया हमारी कोई सुनवाई ना, कह रहा कहीं कभी कहीं जाओ कभी कहीं, हम सब में जा रहा कोई सुनवाई नहीं। कहाँ पहुँची आप? हम सिलियांग में पहुँचे, हम सियाज नगर में, पहला हमारा सियाज नगर थाना लगता दबके का, हम हो गए, हम तो वहाँ से मार के भगा दिया। हम सिविल लाइन में आए, हम वहाँ से मार के भगा दिया। SP सब SP के पास भी आए, सब पैसे मांग रहे हैं, बात हुई सब पैसे मांग रहा है। SP तो पैसे नहीं गए थे, कोई मदद नहीं मांग रहा हमारी। हम यहाँ आए, हम यहाँ से मदद लेकर जाएंगे, नहीं तो हम अपनी जान लेकर जाएंगे। आज हमने फैसला कर लिया, मुझे नहीं पता, नहीं तो मेरे बच्चे छोटे छोटे दोनों लोहड़ी हैं, कोई लोहड़ा हो मैं सहारे से बैठी रहूंगी कि मेरे लोहड़े का भी जवान होगा, इनका फोन देगा, इनका बाप भी ना होगा। मेरी बेटी है दोनों बैठे होते तो मैं बच्चों को लेकर गोदी में है। क्या नाम है आपका? मेरा जाकिर नाम। जाकिर हिलो मती और पीछे को देखो, इधर को हिलो मती। जाकिर साहब ये बताइए कि पूरी बात क्या है? पूरी बात ये है सर, ये करीब 2 महीने पहले से नबी रजा ठेकेदार से इससे पैसे के पीछे विवाद था। इनकी 61 दिहाड़ियों पे पैसे आ रहे थे, काम करते थे ये 7-8 साल से उसके पास। वहाँ से 61 दिहाड़ी के जब पैसे छोड़ के ये काम अपना हटा लिया था इन्होंने, तो वहाँ के करीब 15-20 दिन के बाद पैसे लेने पहुँचे। उसने पैसों के बजाय धमकी दी, ने मारा पीटा, वहाँ से भगा दिया, फायरिंग करी हवाई, यानी कि तू आज के बाद अगर तू मेरे घर पर आगा पैसे लेने तो तुझे जान से मार दूँगा। ये वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के पुलिस भी आई वहाँ पे, मतलब बाद में उसने पुलिस ने भी बुलाई, उसने ही बुलाया झूठा। और फर्जी मुकदमा SCH जो कि अफजलगढ़ की पट्टी लगती है, अफजलपुर पट्टी, वहाँ के जगदीश हैं, एक जगदीश, उनसे कोई हमारा कोई इसमें का कोई संबंध भी नहीं है। और उनके जगदीश ने उनके खिलाफ, बब्बू के भाई के हमारे, उनके खिलाफ मुकदमा लगवाया नबी रजा ठेकेदार ने, और उन्हें धमकी दी, उन्होंने कहा साहब अगर आज के बाद तू मुझे कहीं दिख गया या मिल गया तो मैं तुझे जान से मरवा। ये कचहरी आए हुए थे, कचहरी आकर इन्होंने यहाँ से बिस्तर में बैठे अपनी तरीक ली। तरीक लेने के बाद में उनके पास कॉल आई, जबकि पापा भाई और काफ़ी सारे लोग साथ में थे उनके, उन्होंने पर किसी को बताया नहीं कि मेरे पास उस बंदे की कॉल आ रही है। कॉल आते के साथ ही फ़ोन उठाकर वो चल दिए बाहर को, कचहरी के पल्ले वाले गेट पर। वहाँ से थोड़ी देर के बाद जब देर लगी, काफ़ी समय हुआ, तो इन्होंने पापा ने उसके फ़ोन करा कि कहाँ है बेटा, उन्होंने कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं करा। फ़ोन रिसीव ना होने के कारण इन्होंने कहीं चला गया होगा,
थोड़ी देर के बाद में, उसके बाद में काफ़ी लोगों ने फ़ोन करे, किसी का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। 5 बजे के बाद में फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद होने के बाद में थाना सजाद नगर हम अपनी तहरीर लेकर पहुँचे गुमशुदा की। वहाँ हमारी कोई तहरीर कुछ नहीं ली, उन लोगों ने तहरीर फाड़ के फेंक दी। उसके बाद में SP साहब के पास पहुँचे। SP साहब के पास जब पहुँचे तो उन्होंने आदेश करा कि जाओ थाना सजाद नगर जाओ। थाना सजाद नगर जब हम पहुँचे वहाँ, तो वहाँ से हमारे हाथ में से तहरीर लेकर वहाँ से उन्होंने वो भी फाड़ के फेंक दी। बोले ये तुम, और SC 8 का जो मुकदमा लगा हुआ था उसकी हम 1.5 महीने से लगातार ये मतलब प्रार्थना कर रहे थे कि इस मुकदमे की जांच की जाए, ये झूठा मुकदमा है। वहाँ से CO साहब भी, जबकि मेरा भाई अगर इसमें का कोई भी मुलजिम होता तो CO साहब के पास क्यों पहुँचता। CO साहब के पास पहुँच के उसने खुद बात कही है डायरेक्ट अपनी, उसने कहा साहब ये मुकदमे की जाँच की जाए, या अगर मेरे ऊपर सच है तो मुझे जेल भेजा जाए। इसी सहारे में ये मंगल की रोज यहाँ से कचहरी से गायब है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गुमशुदा की लंकी रिपोर्ट हमारी कहीं पे भी नहीं लिखी गई। कितने लोग गायब? 4 दिन हो गए सर। ये बताइए आज आप कहाँ आए? आज हम साहब यहाँ पर अपनी DM साहब के पास आए थे मदद के लिए। किस लिए? क्या हमारी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अगर आप लोगों की पुलिस की किसी की भी अरेस्टिंग में अगर हमारा भाई है तो हमें पता तो रखना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी एप्लीकेशन लिखी जाए। ठीक है, तो मिलिए DM साहब से, मिलिए आप। TV1 इंडिया न्यूज के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर। शाहजहांपुर के तिलहर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर कटरा की ओर पड़ने वाले गांव धनेला के कन्हैया लाल पुत्र सालिकराम इसी रविवार दिनांक 21 जुलाई 2019 को अपने सगे बहनोई धर्मपाल निवासी सरेली थाना तिलहर के साथ गोरखपुर गए थे, जहां 40,000 दुल्हन पूजा के परिवार वालों को देकर शादी की। कल शाम नव विवाहित पूजा का भाई अपनी बहन के घर गांव धनेला आया हुआ था। शाम को कन्हैया लाल द्वारा पनीर लाकर घर पर नव विवाहित पत्नी पूजा द्वारा खाना बनवाया गया। उसके पश्चात पूजा द्वारा चाय बनाई गई, जिस चाय में पूजा द्वारा नशीला पदार्थ डालकर पति कन्हैया लाल, सास श्यामा देवी, भाभी देवश्री, बहन पुष्पा व उनके छोटे छोटे 4-5 बच्चों को चाय पिलवा दी गई, जिससे सभी लोग बेहोश हो गए और नव विवाहित पत्नी पूजा अपने भाई के साथ रात में कहीं फरार हो गई। रात में हुई बारिश में भी बेहोश हुए लोगों को किसी प्रकार का होश नहीं आया। जब सुबह बेहोश हुए लोगों में से कुछ लोगों को होश आया तो नशीला पदार्थ खिलाए जाने का अंदेशा हुआ और थाने में सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने तत्काल सभी लोगों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलहर में भर्ती करवाया। सभी लोग नशे की हालत में थे, जिसमें कन्हैया लाल की मां श्यामा देवी की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना क्या है पूरी? चाय पिया भाई पे रोटी खाए। किसने? घरवाली। घरवाली का नाम क्या है? पूजा। पूजा कब शादी हुई थी? शादी कब हुई? शादी आज 4-5 दिन है। इतवार को आए लाए। उसे कोई लेने आया था कल? तो उसने आपको किसी चीज में मिलाकर कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया? नशीला पदार्थ आपको खिलाया? सब लोगों को खिलाया? सब लोगों को होश हो गए? फिर जेल में चले गए, भाग गए। भाग गए मतलब? हाँ। क्या प्रोग्राम है पूरा? एक्चुअली कुछ फूड पॉइजनिंग के केस आया है। टोटल 5 बच्चे और 2 बड़े हैं इसमें। ग्राम धनेला से अभी करीब 2 बजे के आसपास हमारे CST तिलक पे आए हुए। इनमें से सभी का मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। जिनको बताया गया है कि ये इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे कुछ खाया जिसकी वजह से बेहोश हो गए कल शाम के टाइम पे और सुबह 10 बजे उठे। मेडिकल परीक्षण कर लिया गया है। इसमें सारे जो बच्चे हैं वो सब ठीक हैं। एक जो उपरोक्त जो इसकी बीवी ने जैसा बताया जा रहा है कि जहर दिया है वो भी ठीक लग रहा है, और लड़के की जो माँ है वो थोड़ी सी सेमी कॉन्शियस स्टेट में है, उसका उपचार चल रहा है। इससे फर्स्ट एड दिया जा चुका है और बाकी इस बारे में और आगे क्या प्रकरण रहेगा, क्या हम उसको रेफर करेंगे या उसको यहीं से फर्स्ट एड दे के घर भेज देंगे, इसके लिए अभी थोड़ी देर में एंट्री हो जाती है। डॉक्टर, किसी की हालत सीरियस तो है नहीं? नहीं, अभी किसी की हालत सीरियस नहीं है। एक महिला है, क्योंकि बुजुर्ग महिला है, वो थोड़ी सेमी कॉन्सेंट्रेट है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।
जनपद शाहजहांपुर के ब्रह्म कुमारी आश्रम में गंदा काम चल रहा था। जिस युवती को प्रताड़ित किया जा रहा था उससे काम करवाया जा रहा था, भूखा रखा जाता था, काम के बदले पैसे भी नहीं दिए जाते थे। हद तो तब हो गई जब आश्रम की महिला ने युवती का मुंडन करवा दिया, उसे मोहल्ले में घुमाया, फिर उसे डंडों से मारा पीटा। इतना ही नहीं, उसे लाइटर से जला देने की धमकी दी गई। जब ये सब मोहल्ले की महिलाओं ने देखा तो मोहल्ले की महिलाओं ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद कर विरोध किया। जस्मदीद महिलाओं और मोहल्ले वासियों का कहना है कि इन आश्रम की महिलाओं के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ खाना पूर्ति के लिए आती है, अंदर जाकर वापस लौट आती है। अब बताइए कि हम लोग क्या करें, यहाँ हम लोग का रहना मुश्किल हो रहा है, उल्टा हम लोगों को कीड़ा मकोड़े की संज्ञा देती है, साथ ही हमारे पतियों को किसी न किसी फर्जी मामले में फंसाने की धमकी भी देती है। पीड़ितों द्वारा पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वहीं पुलिस इस मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिथिलेश। मिथिलेश, किस तरीके से कल इन लोगों ने महिला को मारा पीटा, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ जी, बता सकते हैं। बहुत बुरी तरीके से पीटा और मतलब उससे भी काम करवाया और सारा काम करवाया, इतना जो बिल्डिंग बनवाई, सीमेंट मसाला सारा डुबाया। जब उसने खाना मांगा तो उसे बहुत पीटा और गेट के बाहर निकाल दिया। तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम लोग कहते तो ये कहती हैं कि हम तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, तुम्हारे पति का ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कहते। उसके बाल वगैरह भी गोड़ दिया? हाँ, बाल वगैरह भी गोड़ दिया, आग भी लगाने को कहा, बहुत बार कहा, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। इतना पीटा, पता नहीं वो कहाँ चली गई, इन्होंने गायब करवा दिया उसे या वो कहाँ चली गई, कुछ नहीं। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं की? कुछ नहीं की। पुलिस जब आती, हम लोग बुलाते हैं, आती तो वो कह देती है जो मेरा काम नहीं, मेरा मैटर नहीं। हर बार मैं बुलाया, बहुत बार बुलाया, लेकिन एक बार भी नहीं पुलिस ने सुनी। जब ब्रह्म कुमारी आश्रम हमारे पड़ोस में ही मोहल्ला अब्दुल्लागंज में, यहाँ जो लोग हैं, यही समाज सुधारक कहने के लिए समाज सुधारक हैं, लेकिन ये समाज में एक तरीके से बिल्कुल दमंगई फैला रही है। हम लोग को इन्हें अच्छे समझाने वाली बात कहते हैं तो ये उल्टा हम लोगों को कहती है, जो तो नाली के कीड़े हैं, जो मोहल्ले वाले नहीं, जो नाली के कीड़े हैं, इंसान नहीं, नाली के कीड़े हैं, इनको कोई तमीज नहीं, अकल नहीं है। किस तरीके से उन बाल घोटे गए हैं औरत को, बता सकते हो? हाँ, वो एक दिन उन्हें उस लड़की को, जिस लड़की को पीटा है इन्होंने, वो यहाँ से मारती हुई लेकर गई और उसे पीटते लेकर गई उन्होंने नाई की दुकान पे, उसके पकड़ के जबरदस्ती बाल उठवा दिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। संभल के कोतवाली गुन्नौर मोहल्ला फजल में स्थित फारूक अली मेमोरियल पब्लिक स्कूल में अब्दुल शिक्षा समिति की ओर से 100 बच्चों को निशुल्क ड्रेस वितरण की गई, जिससे आने वाले भविष्य में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए। अच्छा, आज अपने स्कूल में ड्रेस वितरण की है, क्या है, कौन सा स्कूल है, कहाँ पर स्थित है? ये फारूक अली मेमोरियल पब्लिक स्कूल है और ये गुन्नौर में मोहल्ला फजल उसमें है। ये जो ड्रेस वितरण किए हैं तो ये क्या है? ये अब्दुल सलाम शिक्षा समिति है जो उसके द्वारा जो हम ड्रेस को बांट रहे हैं। कितने बच्चों को अब तक वितरण? हमने 100 बच्चों को ड्रेस जो है वितरण किए निशुल्क। इसमें कोई किसी से कोई पैसा नहीं? आज आपने बच्चों को ड्रेस वितरण किए हैं, ये कौन सा स्कूल है जिसमें आपने? फारूक अली मेमोरियल के नाम से पब्लिक स्कूल चल रहा है और अब्दुल सलाम सोसाइटी की तरफ से स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 बच्चों को निशुल्क ड्रेस बांटा गया, जिससे कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें और सही तरीके से पढ़ सकें। मतलब सभी बच्चों को दी जा रही है या जो कुछ गरीब बच्चे, गरीब जो लोग हैं? नहीं, सभी बच्चों को दी जा रही है। सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल।
खीरी पुलिस थाना मितौली द्वारा एक और जबरदस्त गुड वर्क मितौली थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी व उनकी टीम ने एक बार फिर से थाना मितौली का नाम रोशन कर दिया है। इससे पहले भी कई अपराध नियंत्रण किए गए थाना क्षेत्र मितौली वालों का कहना है कि जब से थाना अध्यक्ष मितौली ने थाने का चार्ज लिया है तब से अपराधों पर अंकुश लगा है, अपराधों में कमी आई है और समय समय पर वह स्वयं रात्रि गश्त भी करते हैं। रात्रि गश्त करते समय अगर उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उससे पूछताछ भी करते हैं। मितौली थाना क्षेत्र की जनता उनसे बेहद खुश दिखाई दे रही है। पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान थाना मितौली पुलिस द्वारा सेमरावा तिराहे के पास से मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर अभियुक्तों को पकड़ा गया। पुष्पेंद्र यादव पुत्र सूरज पाल निवासी ग्राम भगोतीपुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी, बलस्टर पुत्र हरद्वारी लाल निवासी ग्राम रानी बेहड़ थाना मितौली जनपद खीरी, मोहम्मद इकरार पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम मजगवा थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 2 LCD, 2 अदद तमंचा, 315 बोरमै, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 1 अदद चाकू तथा 2 अदद बिना नंबर की मोटरसाइकिल अपाचे बरामद की गई है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पेट्रोल पंप लूट की घटना हुई थी जिसमें मितौली एसओ ने 2 LCD बरामद किए, 2 तमंचे बरामद हुए, चाकू बरामद हुआ है और 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी करी गई है जिसके लिए इनको 5,000 नकद इनाम की संस्तुति की जा रही है। जी हाँ नहीं, बाकी 3 अभियुक्त अभी शेष है जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा है शीख पुलिस टीम, उनको भी गिरफ्तार कर। सीतापुर से लीड मिली थी, 2 अभियुक्त सीतापुर में पकड़े गए थे जिसके क्रम में पूछताछ के लिए ऐसे मितौली को भेजा गया था जिसमें इन्होंने आगे डेवलप करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शिवम की रिपोर्ट, लखीमपुर। जनपद जालून के तेज तरतर पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ने लोगों की सुरक्षा का एहसास दिलाने को लेकर चलाया पूरे पुलिस बल के साथ एकत्रित होकर पैदल गश्त शक्ति अभियान। इसी के मद्देनजर रखते हुए SP डॉक्टर सतीश कुमार व अपर SP डॉक्टर अवधेश सिंह और CO सिटी संतोष कुमार व उरई कोतवाल शिव गोपाल वर्मा सहित पूरे पुलिस बल के एकत्रित होकर चलाया पैदल गश्त फुट मार्च अभियान। इसी के चलते कप्तान के आदेश अनुसार बीती रात टाउन हॉल के पास कोतवाली पुलिस के सारे अधिकारी दंग नियंत्रण उपकरण होकर एक साथ हुए एकत्रित और इसी के मद्देनजर रखते हुए दबंग लोगों से निपटने के लिए तेज तरतर SP के आदेश के अनुसार पूरा पुलिस बल हुआ एक्टिव और दिखाई पूरी शक्ति। इसी के मद्देनजर रखते हुए तेज तरतर SP सतीश कुमार के आदेश अनुसार जनपद जालौन में जगह जगह बीती रात चलाया जा रहा है पैदल गश्त फुट मार्च जिससे चलते सातिर अपराधी व दबंग लोगों के हौसले हुए पस्त। TV1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन।